नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ रेल मंत्रालय द्वारा मऊ से मुंबई तक नई ट्रेन सेवा का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मऊ लोकमान्य तिलक टर्मिनल मऊ के मध्य साप्ताहिक नई गाड़ी का शुभारंभ 22 नवंबर को मऊ प्रयागराज उद्घाटन ट्रेन सेवा को रेल संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर रेल मंत्रालय की ओर से मऊ एवं आजमगढ़ के क्षेत्र के निवासियों को मऊ प्रयागराज उद्घाटन ट्रेन सेवा की शुभारंभ की बधाई दी। क्षेत्र की जनता की आजमगढ़ होते हुए मऊ से मुंबई के लिए नई ट्रेन के संचालन की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इस गाड़ी का प्रस्ताव दिया है, जिस पर रेल मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की है। श्री वैष्णव ने कहा है कि यात्रियों की मांग के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाने के लिए क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी ऑपरेशनल रेल मार्गों को विद्युतीकरण कर दिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में और क्या कुछ कहा है दिनेश लाल निरहुआ, सांसद सदर आजमगढ़ ने सुनी। देना चाहता हूं आजमगढ़ को, और आजमगढ़ की लंबे समय से मांग थी। मांग तो आजमगढ़ की ये थी कि आजमगढ़ से ही चलाया जाए, और एक टेक्निकल इशू ये था कि यहाँ पे टर्मिनल नहीं है और टर्मिनल मऊ में है, तो इसलिए मऊ से और मुंबई के लिए ये ट्रेन शुरू हुई है आज। और इसके लिए मैं हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, पूजनीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे AK शर्मा जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो हम लोगों ने मांग रखी थी उसको आज शुरू की गई है। और सबसे जो खास बात है आजमगढ़ के लिए वो ये है कि पूजनीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो अमृत योजना में हमारा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन गया है, जैसे ही पूरा हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग और बड़ी बड़ी ट्रेनें चलवा पाएंगे। सर, ये ट्रेन पहले आजमगढ़ से चलनी थी और फिर मऊ से चली है, तो इसको कहीं ना कहीं उसका एक ही टेक्निकल रीज़न है, और वो ये है कि जब लंबी दूरी कोई ट्रेन तय करती है तो उसकी धुलाई के लिए, उसके साफ़ सफाई के लिए और उसके टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसकी ठीक रख रखाव के लिए टर्मिनल से ही ट्रेन चलाई जाती है। अभी आजमगढ़ में टर्मिनल बना नहीं है, पर आजमगढ़ को धन आ चुका है और बनना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि पूरा शेड जो है वो लगना शुरू हो गया है, तो जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हमको आजमगढ़ से चलानी है वो भी शुरू होंगी, पर टर्मिनल बन जाने के बाद। ठीक